अपराध जगत के कई बड़े नामों की करतूतें कैसे आपस में जुड़ती दिखाई दे रही है, यह भी जांच का विषय है। क्योंकि एक बड़ी खबर यह भी कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी जो अहम खबर आ रही है, एनआईए ने पूछताछ के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई से यह बात कबूल वाली है कि गोल्डी बराड ने 2021 में अमेरिका से गोगी गैंग के लिए सिगाना पिस्तौल भेजी थी। अब आशंका जताई जा रही है कि इसी पिस्तौल का इस्तेमाल अतीक और अशरफ की हत्या में किया गया होगा। सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा पर्दाफाश, एक कबूलनामे से मचा हड़कंप। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने सबसे बड़ा कबूलनामा किया है। एनआईए की पूछताछ में जो राजफाश लॉरेंस ने किया है, उसमें उसने फ्यूचर प्लान के साथ अपने खतरनाक इरादों को भी जाहिर कर दिया। सूत्रों के हवाले से एनआईए पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने नंबर वन टारगेट के बारे में तो बताया ही, साथ ही पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को अतीक और अशरफ मर्डर पर भी बड़ा क्लू मिला। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने खुलासा किया है कि उसने साल 2021 में गोल्डी बरार के जरिए अमेरिका से दो जिगाना पिस्टल गैंगस्टर गोगी को मुहैया कराई थी। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या में भी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अमेरिका से आई इसी जिगाना पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, लॉरेंस ने एनआईए के सामने जैसे जैसे अपने मंसूबों को उजागर किया, वैसे वैसे एनआईए अधिकारियों के भी होश उड़ गए। लॉरेंस ने पूछताछ में अपने टॉप 10 टारगेट के नाम भी उजागर कर दिए हैं। लॉरेंस की टारगेट लिस्ट में पहले नंबर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर सलमान खान है, और एनआईए से हुए सवाल जवाब में उसने यहां तक ऐलान कर दिया कि वो उसे हर हाल में मौत के घाट उतारेगा। ऐसा शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि पिछले एक साल में सलमान को कई बार धमकी दी जा चुकी है और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले भी सलमान खान को धमकी देने के मामले में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आता रहा है। एनआईए सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 इंडिया के पास लॉरेंस बिश्नोई का जो कबूलनामा है, उसमें एक्टर सलमान खान, मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत, बम्बिया गैंग का लीडर मनदीप धालीवाल, गैंगस्टर कौशल चौधरी, गैंगस्टर अमित डागर, बम्बिया गैंग का एक और गैंगस्टर लकी पटियाला, गोंडर गैंग का गुर्गा रम्मी मसाना, गोंडर गैंग का सरगना गुरप्रीत शेखो, शूटर भोलू, सनी लेफ्टी और अनिल लट शामिल है। एनआईए की पूछताछ में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का हवाला कनेक्शन भी सामने आया है। पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया है कि उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हवाला के जरिए गोल्डी बरार तक 50 लाख रुपए पहुंचाए थे। बिश्नोई से पूछताछ में पर्दाफाश हुआ कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या का एक बाहुबली विकास सिंह उसके गैंग की मदद करता है, वही उसके गुर्गों को टास्क पूरा करने के बाद विकास सिंह उसे पनाह देता है। एनआईए से पूछताछ में भले ही लॉरेंस ने पर्दाफाश किया हो, लेकिन उसके सामने इन्हें कोर्ट में साबित करना बड़ी चुनौती होगी। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट तभी एडमिसिबल होता है एविडेंस में जब उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोई ऐसा फैक्ट रिकवर होता है जो पहले से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नॉलेज में नहीं था। अदरवाइज डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो पुलिस कस्टडी में दिया जाता है अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC, इसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं है। वहीं साल 2018 से लेकर 2022 के बीच लॉरेंस ने यूपी के खोरजा से अपने करीबी गैंगस्टर रोहित चौधरी की मदद से आर्म सप्लायर कुर्बान चौधरी और शहजाद से करीब 2 करोड़ रुपए में 25 हथियार खरीदे थे, जिसमें 9mm की पिस्तौल और AK-47 शामिल है। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल उसने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में किया था। लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने ये भी कबूल किया कि भरतपुर, फरीदकोट और दूसरी जेलों में रहते हुए उसने कभी राजस्थान के कारोबारियों, कभी चंडीगढ़ के 10 क्लब मालिकों, कभी अम्बाला में मॉल के मालिक शराब कारोबारियों, तो कभी दिल्ली और पंजाब के सटोरियों से करोड़ों रुपए की उगाही की थी। जेल में इन सभी के फोन नंबर लॉरेंस को गोल्डी बराड़, काला राणा, चंडीगढ़ के क्लब मालिकों के गुरलाल बराड़ और काला जठेड़ी ने मुहैया करवाए थे। बड़ी खबर आपको बताएं, अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका के ऊपर सुनवाई टल चुकी है।
मामले की अगली सुनवाई अब 29 मई को होगी। पुलिस की चार्जशीट में अतीक की बहन आयशा नूरी का नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर शामिल है। आयशा नूरी ने काफी पहले ही सरेंडर की अर्जी लगाई थी, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि अब इस मामले की सुनवाई आज जो होनी थी वो टल चुकी है। और चलिए रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, अब आयशा नूरी को भी ये लगातार डर सता रहा था, अनहोनी उसके साथ भी हो सकती है, और यही वजह थी कि वो सरेंडर करना चाहती थी। मामला एक बार फिर से टल गया। बिल्कुल बिल्कुल, मामला टल चुका है। बीते कल ही इस मामले पर सुनवाई हुई, उस दौरान ही मामला टल गया था। अब 29 तारीख को दोबारा इस मामले पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के समय धूमनगंज पुलिस के तरफ से आख्या पेश की जा चुकी है, यानी रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, जिसमें आयशा नूरी को साजिशकर्ता बताया गया है और शूटर बमबाज गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप भी है। और इसी आरोप में आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक सलाखों के पीछे हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 29 तारीख को अब आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर सुनवाई होगी। तो दूसरी तरफ लगातार यूपीएसटीएफ और प्रयागराज पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है कि किस तरीके से जो जिगाना पिस्तौल से हत्या की गई है, जिस तरीके से अतीक और अशरफ की वो जिगाना पिस्तौल आखिरकार इन दोनों के पास कैसे मिली, गोगी गैंग के जरिए किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये कनेक्टेड है, इन सब मामले पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी जी, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, बने रहें आप हमारे साथ। लेकिन एक और बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। माफिया सरगना अतीक के पास अकूत दौलत थी, बेहिसाब जायदाद और काले कारोबार की तो फेरिस बहुत लंबी। लेकिन अतीक और अशरफ की मौत के बाद अब उसकी जायदाद के ऊपर हक जमाने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। अतीक के चार बेटों और पत्नी के अलावा उसकी गर्लफ्रेंड, उसके भाई अशरफ के रिश्तेदारों ने भी अतीक की संपत्ति पर हक जताना शुरू कर दिया है। और इस बीच दुबई की प्रॉपर्टी को लेकर अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम और अतीक की गर्लफ्रेंड के बेटे आरिफ एमबीए के बीच भी जंग शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाले दो भाई अतीक अहमद और अशरफ अहमद, जिन्होंने करीब करीब एक साथ जर्म की दुनिया में कदम रखा, जिन्होंने एक साथ मिलकर अपना काला साम्राज्य तैयार किया, जो गुंडे से लेकर गैंगस्टर बनने तक एक साथ रहे, एक ही साथ मुकदमों में हथकड़ियां लगाए कोर्ट में पेश होते रहे, एक ही साथ पुलिस की वैन में साबरमती जेल से बरेली जेल होते हुए अलग अलग शहरों में पेशी के लिए जाते रहे, और एक ही साथ एक ही दिन शूटरों की गोली का शिकार हुए और उन्हें एक ही साथ खौफनाक मौत मिली। दो भाई थे जो प्रयागराज शूटआउट में मारे गए, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी जायदाद पर उनके परिवार के लोग आपस में भिड़ गए हैं। अतीक और अशरफ को शायद ये अंदाजा था कि एक वक्त आएगा जब उनकी प्रॉपर्टी उनकी विरासत पर हक जताने वाले खड़े हो जाएंगे, और सूत्रों के मुताबिक बरेली जेल में अशरफ और साबरमती जेल में अतीक ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही उनको मार दिया गया। और पहले तो गैंगस्टर की फैमिली पुलिस से भागती रही, और अब प्रॉपर्टी की जंग होने लगी है। ये जंग क्यों और किन के बीच चल रही है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गैंगस्टर ब्रदर्स की फैमिली को समझना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं अतीक से। अतीक की जिंदगी में दो अहम औरतें थी, एक शबाना जो उनका बचपन का प्यार था और उसी गांव से ताल्लुक रखती थी जहां अतीक का बचपन बीता, दूसरी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिसने जुर्म में उसका साथ दिया, उसके हवाला कारोबार को संभाला और पैसों के लेन देन और हेरा फेरी का जिम्मा अपने हाथ में लिया। डॉन की गर्लफ्रेंड शबाना अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, उसकी तस्वीर अब तक सामने नहीं आई, लेकिन ना तो अतीक ने और ना ही शबाना ने कभी एक दूसरे का साथ छोड़ा। भले ही दोनों के इस रिश्ते को जमानों की रवायतों की रजामंदी ना मिली हो, फिर भी यह रिश्ता अतीक के मौत तक और उसके मौत के बाद भी बदस्तूर जारी है। इसी शबाना का एक बेटा है जिसका नाम है आरिफ एमबीए। आरिफ एमबीए की भी तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन माना ये जाता है कि जिस शबाना की पढ़ी लिखी ना होने की वजह से अतीक से निकाह नहीं हो सका, उसके बेटे आरिफ को अतीक ने एमबीए कराया
और सूत्रों के मुताबिक अपनी दुबई की संपत्ति उसके नाम कर दी। दूसरी तरफ अशरफ की फैमिली अशरफ के साले हैं। अशरफ अहमद के दो साले सद्दाम और जैद मास्टर। उमेश पाल हत्याकांड और अतीक और अशरफ की मौत के बाद ये दोनों दुबई पहुंच गए। दुबई में अतीक का अपना फ्लैट है। कई कारोबार में अतीक ने निवेश किया था और ये सब सद्दाम और जैद के जरिए किया था। लिहाजा सद्दाम और जैद अब इस प्रॉपर्टी पर अपना हक जता रहे हैं और उसे अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अशरफ का साला सद्दाम उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड है। उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम है, लेकिन उसने दुबई की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए रिस्क लिया और भारत से दुबई फरार होने के लिए 2 एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं। सूत्रों के मुताबिक सद्दाम पर 1,00,000 का इनाम घोषित होने के बावजूद रिस्क लेकर वो कोलकाता से दिल्ली और फिर दुबई फरार हो गया। सद्दाम को आशंका थी कि जिस काले कारोबार में उसने अतीक का साथ दिया, अशरफ के काले साम्राज्य को संभालता रहा, वो कहीं बिखर ना जाए और उसके हाथ कुछ भी ना आए। सद्दाम ने ही अतीक को दुबई में फ्लैट दिलाने और विदेशी कारोबार में निवेश करने में मदद की थी और ऐसे में सद्दाम नहीं चाहता था कि दुबई में बनाई गई अतीक की जायदाद पर अतीक की गर्लफ्रेंड शबाना का बेटा आरिफ MBA कब्जा कर ले। और यही वजह है कि जब वो दुबई की फ्लाइट में बैठा तो उसे यकीन हो गया कि अब वो हिंदुस्तान से निकलकर दुबई पहुंच जाएगा। तब सद्दाम ने उसी फ्लाइट से अपनी तस्वीर खींची और अपने करीबियों को व्हाट्सएप पर फोटो शेयर किया और कहा कि किसी भी कीमत पर आरिफ MBA को दुबई की प्रॉपर्टी पर काबिज नहीं होने देगा, जबकि आरिफ MBA भी अतीक की दौलत के लिए दुबई में जमा हुआ है। एक तरफ सद्दाम है जिसने खुद को अशरफ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और अतीक की दुबई वाली संपत्ति पर कब्जा करने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक की गर्लफ्रेंड शबाना का बेटा आरिफ है, जिसके लिए शबाना ने अतीक के साबरमती जेल में रहते हुए ही खेल कर दिया था। और अतीक के हाथों अपने बेटे आरिफ MBA के नाम दुबई की संपत्तियों की वसीयत तैयार करा ली। जाहिर है गैंगस्टर के घर में ही अब झगड़ा शुरू हो चुका है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है और लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है और किसी भी तरह से हजारों करोड़ के अतीक के कारोबार को बचाने की कोशिश में जुटी है। अतीक के 5 बेटे हैं, जिसमें से एक असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। लिहाजा अतीक की मौत के बाद उसकी जायदाद पर उसके 4 बेटों और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का हक है। लेकिन इस बीच जैसे शबाना एक वसीयत लेकर सामने आई और दुबई की अतीक की प्रॉपर्टी पर उसके बेटे आरिफ MBA का हक जमाने